नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका मित्र केएन मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मनपसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती में जैसा कि अभी आपने पहली वीडियो मैंने दी थी कि गन्ने की नर्सरी तैयार कैसे करें और उसे आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने गन्ने की नर्सरी को ये लगा दिया है इस तरीके से। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि पहले जो ध्यान देने वाली बातें हैं उसको थोड़ा सा आप समझिए कि इसको बराबर बराबर भाग में काटना है। देखिए, इसको बराबर बराबर भाग में काटना है, आंखें हमेशा ऊपर रहेंगी। गैप आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा गैप दे करके इसको ज़मीन पे लगा दिया गया है। और तैयारी के लिए जैसा कि बताया गया है आपको कि नीचे जुताई करके बढ़िया से और फिर ऊपर पत्ते बिछा दिए गए हैं, गोबर की खाद और मिट्टी मिला करके डाल दी गई है। और डालने के बाद ये देखिए, ये है मिट्टी, ये हमने लिया है। ये देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करते हैं तो इनकी देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है, ये एकदम बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। और मिट्टी को जो आप जब इस पे डालेंगे, इसको ढकना है, ढकने का जो काम है उसको आपको मिट्टी कैसे डालना है ये मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको करके दिखाइए किसान भाइयों को ताकि कोई चीज़ आपको छूटे। हाँ, ये भूमि पावर ऑर्गेनिक खाद है जिसको हरजीत जी डाल रहे हैं। देखिए, ये हल्का हल्का पूरे खेत में हल्का हल्का इसको छिट्टा दे देंगे, इस तरीके से कर लेंगे। यदि आप इस तरीके से करते हैं, खेती कर रहे हैं, तो भूमि पावर डालना बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि ये लगभग 90 दिनों तक आपको देता रहता है न्यूट्रिशन। अब ये देखिए, आपको मिट्टी तुरंत ले जा करके उसको ढकना नहीं है बल्कि इस तरीके से डालना है, देखिए छींटते हुए क्रम में, ताकि आपका गन्ने को जर्मिनेट होने में कोई दिक्कत ना हो। देखें आप इस तरीके से डालते डालते हम इसको इस कंडीशन पे ले आए हैं कि गन्ना अब ढकना शुरू हो गया, इस कंडीशन पे आ गया है। अब हमें इसके ढकने के लिए भी उसी तरह हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी देखिए, भुरभुरी मिट्टी को फिर हम ऐसे ही, हम तब तक इसको ऐसे डालते रहेंगे जब तक कि ये पूरा ढक ना जाए। देखिए, अब धीरे धीरे ढकना शुरू हो गया और पूरा हम इसी तरह इसको ढक देंगे। देखिए, ढकना शुरू हो गया, इसी तरह हम पूरा डाल लेंगे आराम से, धीरे 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 धीरे। किसान भाइयों, हमने दो तीन काम कर लिए। पहला काम, हमने आपको बेड दिखाया कैसे हमने बना करके उसको, उसके ऊपर कैसे बड को काटना है और लगाना है। दूसरा काम, ये ऊपर से हमने देखिए मिट्टी डाल दी है, कहीं कहीं आप देखिए गन्ना दिख भी रहा है, ये हमने डाल दिया है। अब तीसरा काम, इस पर नीचे भूमि पावर भी डाल दिया है। अब देखिए, अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, अब इसको पत्तों से, गन्ने के पत्तों से ढकेंगे। हाँ, शुरुआत करिए सर, कैसे ढकना है। देखिए, गन्ने का पत्ता लिया हमने और इसको देखिए इसी तरीके से पूरा हम इस तरीके से ढक देंगे। देखिए, ये हम ढक लिए, ठीक है, इस तरह हमने पूरा इसको ढक दिया है। ढकने के बाद आज हमने गन्ने की बीज को सारा प्रोसेस कर लिया है। कल जो है, कल मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, बाल्टी का पानी लेकर के, जैसे फब्बारे से पानी देते हैं या फब्बारा ना हो आप तो हाथ में लेकर के जैसे हल्के हाथ से छिड़कना है और पूरे खेत को हल्के हाथ से पानी को पूरे खेत में हम छिट डालेंगे। अब ये प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे हम इसको पूरा तो ढक देंगे और ढकने के बाद कल हम इस पे पानी डालना शुरू करेंगे। यह जो हमारी जर्मिनेशन है ये 40 दिन में हमारे खेतों में 40 दिन के अंदर अंदर हमें लगानी है। हम ये मान के चलते हैं कि 30 से 40 दिन के बीच में जब भी हमारा खेत खाली होगा उसमें हम इसे लगा देंगे। ये प्रोसेस करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन लगेंगे इसमें, ये आपको जम करके दिखना शुरू हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि यदि बारिश बहुत ज़ोर से होती है, सितंबर चल रहा है, बारिश इस साल खूब हो रही है आप जानते हैं, यदि बारिश भी होती है तो ये मिट्टी धुलेगी नहीं, गन्ना बाहर दिखेगा नहीं। दूसरा चीज़, नमी, यदि धूप होती है खूब ज़्यादा तो नमी हमारे खेतों में बरकरार रहेगी। ठीक है किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के कहने के बाद मैंने इस तरीके की वीडियो बनानी शुरू करी है। आपको और ज़्यादा क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सबका। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नंबर आपको दे दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।